पब्लिक रिएक्शन देखो कितना छोटा, 50 cc का इंजन है और यू भी जो ना धुआं उठा कर आ गया। RS लो, जो नया वाला मॉडल आया तो भाई उसमें तो और फीचर्स बढ़िया आए होंगे। मैं ये अंकित है भाई, इसका भी यूट्यूब चैनल है AK मोटर के नाम से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर वॉचिंग ZZV व्लॉग चैनल। और भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे हुए हैं, भैया भी आगे पीछे मेरे, और मुझे जाना अभी भैया के पास। पहले मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ, 2-3 बाइक आई हुई है भैया के पास और एक बाइक चलाएंगे भी आज। बड़ी इंटरेस्टिंग बाइक आई है भाई, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे वो बाइक। और एक भाई दोस्त है वो बुला रहा है, क्या नाम, वेब सिटी आ जाओ भैया, बाइक चलानी है आपकी। मैंने कहा ठीक है भाई आ रहे हैं, और ये भी चलेंगे सारे, अभी तो एक ही है, 2-4 और आ रहे हैं, कह रहे भाई हमें भी ले चलो। मन चलो भाई, सब्सक्राइबर हैं यारे भाई, सारे भाई हैं अपने, तो मन की चलते हैं। पहले भैया के पास जाऊंगा, मैं आपको बाइकें दिखाता हूँ उनके पास कैसे कहते हैं मॉडिफाई करें भाई सारी बाइकें। अगर मतलब ऐसा है कि मैं पहले मिलवाता हूँ उनसे, जब बताऊँगा मेरी दुकान पे। तो ये भैया की दुकान है, शॉप है यहाँ पे, तो भैया मॉडिफिकेशन करते हैं, भैया अंदर लग रहे हैं RX के। अभी भैया से मिलवाऊंगा अभी मैं आपको, और मैं दिखाता हूँ बाइक सब जो मतलब तुम्हें गाजियाबाद में पहली बार तो दिखने की नहीं। अच्छा, हमको सिखा रही है। इंडिया में बहुत कम रेयर केस में ऐसी बाइक है, और भैया ने खुद बना रखी है भाई, ये नहीं है कि भैया ने इंपोर्ट करवाई है कुछ करवाई है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी भैया, फ्री ये रे भैया। और भैया का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा आईडी में मैं सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ। भैया ने बाइक बनाई है जो मैंने आपको भी दिखाई, भैया तो गेट लगाएगा उसमें बाइक में, और मैं आपको बताता हूँ अभी भैया ने मतलब किस तरीके से बनाई है, कितने दिन लगे हैं इसको बनाने में। अगर किसी को चाहिए तो भैया वो भी बता देंगे कितने दिन लगेंगे, कितने पैसे की बनेगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कितने दिन लगे इसे बनाने में भैया? इसमें 1 month करीब लग जाता है। एक बताओ, एक महीना करीबन लगेगा इस समय बाइक को बनवाने का? कितने कितने का तक खर्चा इसमें भैया? मैं बता दूँ पहले सबसे चीज के लिए बता दूँ, इसमें 50 cc का इंजन है, 49 cc का, और ये 20-25 की स्पीड में भी दौड़ सकती है। 20-25 मिनिमम स्पीड बहुत है यार, बच्चों को लागे इतने बच्चों को 15 साल तक का बच्चा आराम से चला सके, चलाने को चला के देखेंगे। ट्राई मारने को कोई दिक्कत नहीं, ट्राई मार भाई, तेल लेने गया व्यू का नाम आप अभी स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो फाइनली ये बाइक जो है भैया ने करीबन, मैं आज से नहीं जानता भैया को, बहुत छोटा होता है जब से जान लो भाई, जब से मॉडिफिकेशन का काम करा है। FZ आज आई नहीं है, FZ थोड़ी बाहर गई हुई है, कल आएगी ना। हाँ, तुम्हारी डिमांड। पुराना कौन सा मॉडल है? 2012 का मॉडल है, देखोगे ना ऐसी लगेगी बिल्कुल ऐसे। पर भाई मेरे को खुद बनाई है, बाहर से इंपोर्ट करवाई है? भैया खुद बनाई है मैंने, तैयार किया। बड़ा मुश्किल से भैया, ऐसी बाहर चले ना ज्यादातर। हाँ, इम्पोर्टेड बनाती है ऐसी गाड़ी, पर ये थोड़ी अपनी बनाई है, बॉडी बॉडी सारी तैयार। भैया ने खुद बनाई भाई अपना, 1.5 महीने का टाइम लगता है। अच्छा, अगर कोई बनवाना चाहे तो मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा। नंबर नहीं कर सकता भाई, क्योंकि आप आधी रात बाद परेशान करे जाएंगे। इंस्टा आईडी करा मैं, और मैं मेंशन कर दूंगा फेसबुक आईडी भी भैया की। और भाई अभी इसे चला के देखेंगे, जब देखते हैं कितनी स्पीड है इसमें, मतलब ज्यादा स्पीड था इन्हें भैया ने बता दी एग्जैक्टली कि 25 या इतने तक बढ़ सकते हैं। पेट्रोल आ चुका है इसमें, गिरेंगे पेट्रोल और चलाएंगे भैया, पेट्रोल गिर रहे हैं इसमें। तो इसकी 2 लीटर की टंकी है ना भैया? हाँ, इसकी 2 लीटर की टंकी है, और इंजन तुम देख रहे हो कितना छोटा, 50 cc का इंजन है, और यू भी जो ना धुआं उठा कर आ गया यार इंजन। अभी देखो स्टार्ट करेंगे भैया इसे, और मैं चलाऊंगा अभी इसे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इतना आता मजा आएगा चलाने में यार, और बिल्कुल बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। वाह, पब्लिक रिएक्शन देखो कितना तगड़ा है, एक बाइक के मारे कितने सारे जने खड़े हैं, ये कैसे स्टार्ट हो गया। अभी तो मैं बाहर को लेके जाऊंगा, इधर चलाऊंगा बड़ी तगड़ी करके, सारे खड़े हैं देखो मोहल्ले वाले, कितनी भीड़ लगी है एक बाइक में। बड़ा
आगे बस हाँ इतना कुछ। अरे यार 80-75 किलो का भाई मेरा वेट वजन है तो गाड़ी वेट जो है बस ये है कि ना मेरे 75 किलो वेट छोटे बच्चे के लिए और भाई जी ना छोटे बच्चे के लिए हीट हो गई तो बीच में रुक गई मन की कोई बात ना पर मजा आ गया भाई साहब बाइक चला के टू स्ट्रोक इंजन है ना इसलिए टू स्ट्रोक इंजन है ना टू स्ट्रोक इंजन जल्दी और हीट होता है। एक चीज और दिखा देता हूं मैं सरप्राइज ली अभी बाहर से ही दिखाऊंगा अंदर से नहीं दिखाऊंगा। ये भैया की क्या नाम है सारी चीजें और अंदर खड़ी है एक यामा दिख रही होगी दो यामा खड़ी हैं एक भैया तैयार कर रहे हैं और एक हो जाएगी। भैया कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? भैया इसे 15 दिन लगेंगे 15-20 दिन लगेंगे भाई तैयार होने में 15-20 दिन में ही भाई तैयार हो जाएगी। और भाई वाली और जबरदस्त तैयार होगी पीछे वाली। किसी को भी अपनी बाइक मॉडिफाई करवानी हो भैया का इंस्टा आईडी वो और फोन नंबर वगैरह हाँ व्हाट्सएप वो व्हाट्सएप भी यूज करते हैं भैया। गाड़ी की लोग सिचुएशन भेजो जैसे आपकी है उससे अलग ही बना के दे देंगे बिल्कुल। और मैं इंस्टा पेज भैया का मेंशन कर दूँ उसे जाके देखना कि कितनी बेहतरीन बना रखी है भैया ने बाइकें बहुत अच्छी अच्छी। तो भाई अभी करते हैं भैया से अलविदा लेते हैं चलते हैं क्योंकि मुझे भी कोचिंग निकलना है और भैया को भी काम है। One hour later. Guys, मैं आ चुका हूँ वेव सिटी में क्योंकि एक भाई है दोस्त है वो इंतजार कर रहा है वो कह रहा था कि भाई मुझे तुम्हारी एमटी चलानी है तुम्हें कि भाई चला ले और बाहर छोटी वाली बाइक चलाई हमने मजा आ गया। तो उस भाई से मिलते हैं अंकित भाई है यार उस भाई का भी आई थिंक मैं कह तो रहा था कि मैं गेट पे ही खड़ा हूँ और पता नहीं कहाँ पे खड़ा है भाई बंदा उसके पास आर एस एजन कौन सी है मुझे तो पता भी ना भाई मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ भाई से देख तो रहे वो खड़ा वहाँ पे खड़ा तो है भाई मिल तो गया आई थिंक दिख तो गया वो रहा बंदा भाई डेंग देखो वो रहा वहाँ पे खड़ा है वो भाई वो रहा आर एस ले रखी है उसने चेक करते हैं चलो मिलते हैं भाई से और फुहारा भी चल रहा है भाई भाई के पास आर एस है हमारे पे और भाई का भी यूट्यूब चैनल है अभी इसने भाई ने और ये रहा भाई यूट्यूब चैनल भाई के AK मोटर राइड्स के नाम से है और अंकित नाम है भाई इसलिए उनने भाई ने AK के नाम से बनाया अपने अपन ने जेड के नाम से बना लिया। अरे ये वाली मेरी खड़ी आज इसने MT के ऊपर पूरा ब्लॉग बनाया और ये RS है भाई मेरी भी चलाने की इच्छा थी RS मैंने भी चला ली आज चलाने की इच्छा थी भाई RS तो मैंने भी यार RS चला ली मतलब कंपेरिजन करूँ अगर पल्सर की और अदर बाइक्स में तो भाई RS लो जो नया वाला मॉडल आया तो भाई उसमें तो और फीचर्स बढ़िया आए होंगे जहाँ तक है। वैसे क्या नाम है ये अंकित है भाई इसका भी यूट्यूब चैनल है AK मोटर के नाम से तो अंकित कितनी चली जावे वो लास्ट मतलब मैक्सिमम कितनी चली जावे? मैंने इसमें 140 टायर डलवाया ना जब से तो इसकी टॉप एंडर मैंने दोनों गिर गए ना वो तो देख क्या नाम है एक वेरिएंट अलग हो गया अगर स्टॉक भगाओगे ना तो 155-150 चली जा रहा भाई 155 और 150 आराम से यार 200 cc है तेरी इसमें लिमिटर का इशू है। अच्छा लिमिटर का इशू है अगर तुम्हारी 145 पार करते है ना हाँ। लिमिटर मार लेगी अच्छा। मतलब पीछे को पीछे की तरफ फेंक लेगी अपना मतलब लॉक हो जाएगा खुद ही डर लगाया मतलब ये माल है लिमिटर तो अब लिमिटर आ जाता है इसका मतलब अच्छा। हाँ वो एक इसमें सिस्टम होगा कोई हाँ। तो भाई इसके अंदर कोई वेरिएंट ऐसा मतलब सिस्टम होगा या तो क्या नाम है एक रेस बांधने का या कुछ हुआ तो भाई ये कह रहा है कि लिमिट बंद हो जावे इसकी और ऊपर जाने की मैं वही सोच रहा है 200 cc इंजन है तो इतना ही जा रहा है तो भाई मतलब सेफ्टी के लिए निकाली ये चीज हाँ तुम 150 जैसे क्रॉस करोगे ना हाँ। 150 क्रॉस करते ही इसमें एक लिमिटर नाम की चीज है हाँ। लिमिटर आते ही बाइक तुम्हारी लॉक हो जाएगी 150 से ऊपर निकल। अच्छा यार अपनी में नहीं है ना ना वो MT में R5 किसी में नहीं MT में नहीं है R5 में नहीं है R1 में भी नहीं है R1 में भी 1000 cc उसमें भी नहीं है भाई भाई 400 cc हैक्स बनना उसमें भी नहीं है भाई ये पल्सर वालों ने दे रखा था बहुत बड़ी चीज किस में ये हर 200 cc हर बाइक में है जैसे कि RC 200 RC 200 135 के बाद लॉक हो जाते हैं। अच्छा जी 135-140 पे लॉक हो जाते हैं उससे आगे नहीं जाएगी तो भाई ये चीज नई सीखने को मिली मुझे आज मुझे पता ही ना थी भाई ने कितने बताया तो सही फिर मैं तो यार अभी लगा तो बंदा बहुत पुराना हो गया इन्हें बढ़िया बाइक बना रखी है मैं आपको बाइक एक बार लुक दिखाता हूँ पता लगेगी क्या नाम है क्या सिस्टम होता है भाई ये RPM लिमिट लाइट ये बाइक लॉक हो जाएगी ना 10,000 RPM लॉक हो जाएगी तो लाइट चल जाएगी भाई भाई ने जो ना इसका एग्जॉस्ट निकाल लगा आवाज इतनी प्यारी हो रखी है इसकी ये निकाल बिल्कुल प्यारी आवाज आ रही है यार एग्जॉस्ट यार मुझे भी निकलवाना पड़ेगा मुझे लगे कभी कभी मैं निकलवा लूँ अपना तो लिमिटेशन लिमिट का भाई यही पता लगा। अच्छा तेरी 10,000 से ऊपर नहीं जाती अपन की क्या है ना तुम्हारी जाएगी 11,000-11,500 मेरी पूरी 13,000 जावे इसके ना मैं इस MT में एक चीज बताता हूँ
जैसे ये दो सिस्टम है ना, इसके अंदर इसका ना एक सिस्टम है कि क्या नाम है, तुम पहले जब कंपनी जो देती है ना, वो कंपनी देती है 9000 में, ठीक है, वो ये तुम सेट कर सकते हो आरपीएम तुम्हारा गियर अब चेंज में। हां वो पता क्या हो रहा था, मैं अब आरपीएम जब उठा रहा था ना बाइक को, तो मेरी पीछे रह जा रही है यार, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पे खुद सर्च करा, जिसमें देखा क्या नाम है, इस तरह का सेट होगा, अब इसका 13000 आरपीएम पूरा चला जा रहा है, स्पीड में भी तकड़ी चली जा रहा है अपना, बढ़िया। ये भाई इसमें तो इसमें आरपीएम लिमिट भी सेट कर रखी है, इसमें आरपीएम लिमिट नहीं है, इसमें सेट हो रखी है, तुम्हारी सेटिंग दे रखी है। हां इसमें तो सेटिंग है, जो कंपनी देगी ना वो 9000 9 तक देगी, 9 तक दे रखा है, बाद में कहां तक सेट करोगे। अगर यू चीज में होती ना भाई, छोटो चीज में तो भाई अच्छी करना है भाई, यू भी करके मैं 150 से यू चली जाए, मैं तो पता हूं मुझे चली जाए, हर बंदे चली जाए, हर बंदे 160 155 मार रहा है आराम से, कोई दिक्कत ना। अगर देश 200 चीज हो गई 100 यार, ये वाली कॉल है, एनएसपी वाली चाहिए आपको, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो जाएगी ना वाली। हां इसमें लग रहा है, मैंने इंडिकेटर लगवा रखा है ना, घंटा इंडिकेटर ये अलग लगवा रखा है, आराम से लग जाएगी, 160 की लगेगी स्विच, ये वाला इंडिकेटर लगवाया है मतलब, अलविदा चलते हैं सारे भाई, और एक ही भाई भी हमारा।